दोस्तों, मुंबई के मेन कारोबारी इलाके में एक चाय की दुकान है जो करीबन 40 साल पुरानी है। इसको शुरू करने वाले मेवाड़ से आए राम सिंह थे, जो कि सिर्फ 7वीं पढ़े थे। बिजनेस क्लास मार्केट होने की वजह से वहाँ चाय की अच्छी खासी मांग रहती थी। राम सिंह ने वहाँ चाय की दुकान डाली। दुकान ऐसी चली कि राम सिंह जी ने अपने पुत्र को लंदन भेजा और MBA पढ़वाया। लंदन से लौटकर पुत्र ने किसी मल्टीनेशनल कंपनी में 45,000 महीने की सैलरी पर नौकरी शुरू की। लेकिन मेवाड़ में अपनी किसी पुश्तैनी जमीन के फेर में राम सिंह को गाँव जाना पड़ा। उन्होंने 7 दिन के लिए अपने बेटे को दुकान देखने को कहा। बड़ी हील हुज्जत के बाद आखिरकार बेटा तैयार हुआ। दुकान में चाय बनाने वाले से लेकर बाजार के हर दुकान तक चाय पहुंचाने वाले, ऐसे कुल मिलाकर 12 लोग काम करते और रोज की 10,000 रुपए की बिक्री थी। अब लड़का MBA पढ़ा था, उसने तुरंत हिसाब लगाया तो पता चला कि सारे खर्च निकाल कर करीबन 75,000 रुपए हर महीने की आमदनी हो रही है। उसने कंपनी से तुरंत राजीनामा दिया और दुकान में ही वड़ा पाव, जो कि मुंबई का सबसे प्रसिद्ध नाश्ता है, उसका काउंटर शुरू किया। आज करीबन दुकान की मंथली इनकम 1.5 से 2 लाख है। कुछ स्टूडेंट्स जिनके पास अच्छी खासी डिग्री है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के रैली के पहले पकोड़े तलकर उनका विरोध प्रदर्शन किया। शायद इन्हें राम सिंह जैसों की कहानी या तो पता नहीं, या ये डिग्री को काम से नहीं बल्कि स्टेटस से जोड़ते हैं। आज मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे शहरों में चाय की दुकान से लेकर फल तरकारी बेचने वाले तक महीने के हजारों रुपये कमाते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर कोई ठेला लगा ले, बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के सैकड़ों कामों की तरफ ध्यान दिलाना है। छोटे छोटे व्यापार जैसे शहरों के निकट खेती होने वाले क्षेत्रों से फल, फूल, सब्जी, दूध, अनाज की सप्लाई जैसे सैकड़ों रास्ते हैं, इन सब में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता। हाँ, ये ज़रूर है कि ये सब काम स्टेटस में नहीं गिने जाते, लेकिन दोस्तों स्टेटस अब बनता है जब आप अपने काम को उस लेवल तक पहुँचा देते हो।